जलाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनबॉक्सिंग कार्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आपको कार वॉशिंग का बिजनेस शुरू करना है तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास इनके कुशल कार वॉश के ओनर हैं, तो ये बैठे हैं वो, तो उनसे चलते हैं और उनसे जानते हैं कि पूरे बिजनेस के बारे में क्या क्या चीजें चाहिए, कितना खर्चा आता है और कितने पैसे लगते हैं इस बिजनेस में। भैया आप बताइए कि कार वॉशिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इसमें जगह चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, कितने से शुरू कर सकते हैं, क्या क्या मशीनों की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। सर नमस्कार, मैं यूट्यूबर्स को आपके दर्शकों को नमस्कार कहूंगा। जी मेरा नाम अतुल वशिष्ठ है जी, फरीदाबाद से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। कौशल कारवास अपना सर्विस स्टेशन है, भैया ने वीडियो में दिखाया हुआ आप। जी जी जी। और इसका एक छोटा सा अपना ये है कि अपना अगर ये बिजनेस आप लोगों को चालू करना है जी, कम से कम लागत इसमें 2 लाख रूपये, 2.5 लाख, 2 या 2.5 लाख के बीच में इसमें से आती जाती। अच्छा। और जिस हिसाब से हमारा बिजनेस है जैसे बढ़ता चले गया, तो मेरे पास में कम से भी कम 15-16 लाख रुपए की मशीन ही मशीन। अच्छा। जिसमें अपना ड्रैकलिंग वैक्यूम है, केमिकल वाला वैक्यूम है, और अपना प्रेशर, मतलब सारी जो अपना पूरा जो अपना मशीन टाइप है हमारी, तो 15-16 लाख रुपए अभी तक हमारे लग चुके हैं उसमें। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक इतना इन्वेस्ट कर दिया है। हाँ हाँ, ठीक है, इतना कर दिया। लेकिन अगर कोई जैसे स्टार्ट करना चाहता है तो वो 2 लाख से शुरू कर सकता है। हाँ हाँ, 2 लाख से भी नॉर्मली हम आपसे शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, तो 2 लाख में जैसे अब ये बताइए कितनी जगह होगी, रेंट पे लेनी पड़ेगी, कैसे क्या होगा। हाँ देखिए, अगर आपके पास अपनी जगह है, पहली बात तो इसके लिए लोकेशन जो है ऑन रोड हो तो बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि ये काम अंदर मार्केटों में या अंदर की साइड में नहीं चलते। हाँ, क्योंकि गाड़ियों का स्टॉक ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी। जी गाड़ियों का स्टॉक, और इसके लिए जगह तो देखिए कम से कम मैक्सिमम जो अपना आगे आगे रैंप लगेगा, गाड़ियां खड़ी होंगी, जिनकी सफाई होगी, 150 या 200 का जगह तो चाहिए ही चाहिए इसके। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद में भी आप अगर गाड़ियों के लिए आगे चलते हैं कि भाई खुली जगह हमें चाहिए, गाड़ियाँ अच्छी तरह से साफ हो जाए, तो थोड़ी ज्यादा जगह हो, तो 150 जगह तो मैक्सिमम इसमें है ही है जी। 150 क्या? 150 गज जगह होती है। अच्छा, जैसे 150 गज मतलब 150 फीट मान लीजिए, 100 गज हो गया प्लॉट। जी जी, 150 गज का प्लॉट, तो 150 गज की आगे पूरी जगह चाहिए। जी जी, कम से कम बेसिक मशीनें क्या है, शुरुआत में क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? बेसिक मशीन पहले तो इसके लिए एक वैक्यूम तो चाहिए ही चाहिए जी, वैक्यूम 3 मोटर का होना चाहिए। अगर आपको अच्छी क्वालिटीज देनी है, कस्टमर को खुश रखना है जी, 3 मोटर्स का वैक्यूम हो फर्स्ट नंबर जी। दूसरा हाई प्रेशर जो हमारा है ना, उसके लिए प्रेशर जो है हाई पावर की मशीन लगती है। अच्छा, ठीक है जी। जी वो हाई पावर की मशीन क्या, उससे हवा भी चलती है और पानी भी चलता है साथ में जी, तो प्रेशर उससे एकदम ऐसा स्ट्रिक्टली आता है, जो धूल मट्टी गंध जहाँ जमा है, जहाँ लग गया वहाँ से हट जाता है जी। तो ये 2 मशीन तो शुरुआत में आपको चाहिए चाहिए। अच्छा, इसके साथ में वो आपकी इच्छा है, अगर देखो जैसे मेरा 3M का काम है जी, मैं 3M के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है, भाई मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट भी मिलते हैं, और जो हमारे 3M के प्रोडक्ट हैं काफी हाई रेट के होते हैं जी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 2 लाख रुपए से आप ये काम शुरुआत में स्टार्ट कर सकते हैं। तो भैया जैसे कि अब इसके अंदर एक दिक्कत आती है, पानी की अरेंजमेंट कैसे होगी? पानी के अरेंजमेंट ऐसा, सर देखिए जगह के ऊपर बात है जी, अगर आपकी शॉप जहाँ आप सर्विस स्टेशन कर रहे हैं वहाँ का पानी मीठा है कि नहीं है जी, क्योंकि इसमें प्रॉपर अगर क्वालिटी देनी है आपको तो मीठा पानी बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर मीठा पानी उस जगह नहीं है तो आप टैंकर से भी पानी मंगा सकते हैं, जैसे मैं मंगाता हूँ। अच्छा, हमारा डेली एक टैंकर पानी प्योर मीठे पानी का लग जाता है। अच्छा, पानी जो है ना मीठा पानी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, लोग बाग खारे पानी से भी गाड़ी धो रहे, क्योंकि जो है प्रोडक्ट जो है ना वो मीठे पानी में ही ज्यादातर हाई क्वालिटी अपना जो व्यूज देते हैं, हाई क्वालिटी की मीठे पानी में देते हैं, क्योंकि खारे पानी में आप लोगों ने देखा भी होगा घर में प्रैक्टिकल करके, खारे पानी में कोई साबुन वगैरह या सर्फ कोई ऐसी चीज नहीं लगती। हाँ, जैसे मैं कभी नहाने भी जाता हूँ तो साबुन काम ही नहीं करता, चिपका हुआ रह जाता है, सफेद से दाग रह जाते हैं जी जी जी। तो ये तो गाड़ी है जी, आपने देखा होगा शीशों पे दाग। तो मीठे पानी का यूज करने का लॉजिक यही है, आप सभी जानते हैं कि मीठे पानी में प्रोडक्ट अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से उनकी धुलाई होती है गाड़ी। दूसरा हमारी गाड़ी की जो बॉडी है वो गलावट में नहीं आती। अच्छा, मीठे पानी का सबसे बड़े फायदा ये है। अच्छा सर, अब ये बताइए जैसे ये जो बिजनेस है कार वॉशिंग का, इसका क्या आगे फ्यूचर है, क्या स्कोप है, कितना चलेगा ये आगे? देखिए सर, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि इंडिया में हर एक आदमी पे छोड़ के दूसरा आदमी पे आज की डेट में गाड़ियां हैं जी, और जी। आज हम जैसे पलक झपकते ना समझो कि
कितने हजार आदमी ने उस टाइम पे गाड़ी निकलवाई होंगी न्यू, तो हाँ। आगे आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, जो भाई खोलेंगे उसका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि गाड़ियों की हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हर किसी आदमी का सपना होता है कि उसके पास एक गाड़ी हो। हाँ, नीड्स होती है, मेरी भी नीड्स है जी, या किसी पे गाड़ी अभी नहीं है तो उसकी भी सपना ये होता है कि भाई हमारे पास में एक फोर व्हीलर गाड़ी हो जी, जी, बढ़िया जी। गाड़ी हो जिसपे हम अपने फैमिली को ले जा सके अपने घर के यूज के लिए जी। तो इस हिसाब से भी काम बढ़ता है भाई जी। जी भैया, जैसे अब ये कार वॉशिंग का जो बिजनेस है जी, ये इसका भी कोई पीक टाइम होता है कोई, मतलब ये उस टाइम पे ज्यादा गाड़ियां आती हैं, ये मतलब कोई त्योहार या कोई ऐसा टाइम, गर्मी सर्दी कुछ ऐसा है इसका भी? मैं बता देता हूँ आपको जी, गर्मियों में ये काम थोड़ा सा हल्का पड़ता है। अच्छा। और सर्दियों में ये काम उससे भी हाई ज्यादा मतलब दुगना हो जाता है। अच्छा। वो क्यों मैं बताऊंगा, उसका रीजन है क्योंकि सर्दियों में ओस पड़ती है भाई जी, उससे क्या गाड़ियों के ऊपर जो मिट्टी रहती है ना वो जम जाती है। अच्छा। हाँ। और गर्मियों में ये चीज नहीं होती, और दूसरा गर्मी में लोग बाग खुद भी घर में धो लेते हैं क्योंकि पानी से डरते नहीं है गर्मियों में। हाँ, ये पानी का यूज होता है जी। और सर्दियों में थोड़ा सा बचाव करते हैं इसलिए सर्दियों में काम बहुत बढ़ता है। दूसरा काम कब ज्यादा बढ़ता है कि बरसात जैसे हमारी हुई है जी, बरसात में हम लोग बिल्कुल चुप बैठे रहेंगे, इसमें कोई हमारा काम नहीं होता। बरसात के बाद में जो गाड़ियां सन के आती है, मट्टी जिनमें लगी रहती है बहुत ज्यादा जी, तो वो गाड़ियां हमारे पास धुलने के लिए, तो काम दुगना हो जाता है बरसात। बरसात में तो ये मान लो कि मैं भी मतलब बहुत परेशान हो जाता हूँ, गाड़ी गंदी जाती पूरी। और जो फेस्टिवल की मैं बता दूं आपको, जो हमारे फेस्टिवल है दिवाली गोवर्धन जी, ठीक है, और एक छोटी दिवाली जी, इसमें थोड़ा सा हमारे ना यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया है जी, यहाँ पर थोड़ा सा स्कोप क्या है कि सब लोग अपने पूजा पाठ के लिए अपने ट्रैक्टर्स वगैरह या अपनी गाड़ियों को धुलवा के। अच्छा। जैसा कहते हैं ना विश्वकर्मा पूजा जी, जी, तो जी। उसपे हमारे यहाँ इतनी भीड़ रहती है दिवाली वाले दिन जी, इतनी भीड़ रहती है कि हम सुबह 6 या 6:30 बजे दुकान खोलते, रात को हमें 11:30-12 बज जाते होश नहीं। अच्छा। अच्छा, ये चीज मैंने नोट करी है। अच्छा, ठीक है, तो एक ये भी एक अच्छा आपने आइडिया दे दिया कि किस टाइम ज्यादा इसका पीक टाइम रहता है जी, जी। और अब सर ये बताइए, जैसे अगर ये काम शुरू करते हैं जी, तो इसमें लेबर कितनी चाहिए? देखिए, अगर जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये काम अगर आपको लिमिटेड करना है तो 2 लाख रुपए से शुरू होगा, उसमें कम से कम आपको 2 बंदे चाहिए जी, क्योंकि गाड़ी का काम जो अगर कोई ढंग से करे तो गाड़ी का काम में बड़ी मेहनत है, एक एक पुर्जा धोना पड़ता है, एक पुर्जा अंदर से साफ करना पड़ता है जी। बाकी मैक्सिमम 5 या 6 लड़के तो इस काम में जैसा हमारा चल रहा चाहिए ही चाहिए। अच्छा, 5-6 लड़के चाहिए चाहिए, चाहिए। क्योंकि हम खुद भी काम करते हैं, आपने देखा भी है जी। जी। हाँ, 2 भाई हम खुद हैं, एक दीपक वशिष्ठ, अतुल वशिष्ठ मेरा नाम है जी। और 4-5 एक लड़के हमारे पास है, वीडियो में देख रहे हैं आपने, इतने तो चाहिए अभी जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब अगर कोई गाड़ी आए तो एक तो रस हो जाता है गाड़ियों का, और फिर उनको जल्दी निपटाना भी निपटाना, क्योंकि हर किसी को जल्दी आज की डेट जी, जल्दी तो हर किसी को है। तो एक गाड़ी धोने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए, एक गाड़ी में वैक्यूम करने में, नीचे से धोने में, उसमें अंदर शाइनर करने में, शीशे करने में जी, हमारे यहाँ मैक्सिमम आधे से पौना घंटा लगता ही लगता है। आधे से एक गाड़ी। अच्छा जी, ठीक है। तो आप जैसे गाड़ियों के साथ साथ मतलब ये बाइक वगैरह भी ये सब धोते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बाइक, ट्रैक्टर वगैरह सब चीज धोते हैं। किसी ने ट्रक धुलवाया कभी? ट्रक तो नहीं, खैर जेसीबी तक हम लोगों ने धोई है। अच्छा। वो इसलिए धोई है जैसे कि मेरे पास थोड़ा सा ना जगह की कमी है जी, जी, जी। उस हिसाब की मेरे पास में अभी जगह नहीं है, क्योंकि बस के लिए और ट्रैक्टर के लिए, ट्रक के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। कोई नहीं, हम दुआ करेंगे आपकी जगह थोड़ी बढ़ जाए जी, जी, और थैंक यू, और जगह बढ़ जाए तो आप फिर हर तरह की गाड़ी अच्छे से धो पाए। वैसे अभी भी धोते हैं, नो डाउट, कोई इश्यू नहीं है, बट अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। हाँ, मेहनत तो मैंने सर आपकी देखी है, आप मेरे चैनल पे आपकी वीडियो डली हुई है, मैंने अपनी गाड़ी धुलवाई थी और मैंने दिखाया था आपके बच्चे किस तरीके से गाड़ी को धोते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे जाके मेरी गाड़ी की पूरी धुलाई इनके यहाँ हुई थी, तो मैं काफी सेटिस्फाइड था, तभी मैं इनके बारे में, इनसे मैंने बात करी कि एक बार इस बारे में भी वीडियो बनाते हैं कि कैसे ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है इस बिजनेस का। किसी भैया को अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो जी, तो हमारी फ्रेंचाइजी नोएडा में है। अच्छा। हम लोग मशीन भी अवेलेबल करवाते हैं। अच्छा। आसान किस्तों पे भी दे देते हैं। अच्छा, आप मतलब आप भी हेल्प कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
अच्छा तो बताइए जरा इस बारे में कैसे। मैं बता रहा हूँ आपको, तो किसी भाई को भी अगर जरूरत हो मशीन लगाने की जी, या किसी को मेरे से मिलने की, या भाई बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा। चलिए ठीक है, आपका मैं कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को भी बिजनेस शुरू करना है तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करके पूरी सलाह ले सकता है। तो एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि जैसे अगर क्या कितनी मतलब मशीनें चाहिए बेसिक्स जैसे होती हैं। तो मैंने बताया था अभी आपको, एक तो वैक्यूम चाहिए थ्री मोटर का क्वालिटी देने के लिए जी जी, और एक प्रेशर अपना जो हाई प्रेशर होता है जी जी, और बाकी प्रोडक्ट मैंने पहले भी बताया कि कोई 3M के लगाना चाहे जैसे हम लगाते हैं, अच्छी क्वालिटी कस्टमर को दोनों दोबारा जैसे कस्टमर आए जी, हाँ जी हाँ जी, या फिर लोकल प्रोडक्ट चल रहे हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, बाकी मैं राय नहीं दूंगा, आप लोकल प्रोडक्ट यूज कर जी जी जी, मीठे पानी से गाड़ियां धोए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हाइड्रोलिक से गाड़ी उठाते हैं जो, वो जरूरी है या उसके बिना भी काम चल जाएगा? नहीं सर देखिए, अगर प्रॉपर तरीके से हम लोगों को गाड़ी साफ करनी है जी, तो वो गाड़ी धोने का तरीका पहले नीचे से ही है जी, क्योंकि गंदी जितनी भी गाड़ी होती है नीचे होती है, अगर बिगर उठे वो गाड़ी नहीं धोई जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जमीन में गड्ढा कर देते हैं और ना अंदर घुस के उसमें ढंग से सफाई नहीं हो पाती। एक्चुअली क्या है ना, गड्ढा अपनी जगह प्रॉपर है, जैक में आपने देखा होगा स्पेस रहता है नीचे, हाँ। तो हाथ लड़कों का आराम से पूरी गाड़ी में नीचे से हाँ। पहुंच जाता है, क्योंकि हमें मरघाट भी धोने अंदर से, वो व्हील भी धोने जी जी, तो पूरी अच्छी तरह अगर गाड़ी धोनी तो जैक जरूरी है इस चीज। ठीक है सर जी, तो ये थी सारी डिटेल कार वॉशिंग की। अगर अभी भी कुछ चीजें छूट गई हैं वीडियो में, क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए इसके अंदर, तो इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारी डिटेल आप इनसे पता कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और यार जो इंटरेस्टेड हो ना वो ही कॉल करना, ऐसे नहीं टाइम पास करो, क्योंकि इनके पास बहुत काम रहता है, बिजी रहते हैं। ये तो आपका प्यार है, बट ये आपकी हेल्प कर देंगे अगर आपको ये बिजनेस शुरू करना है। तो थैंक यू, अपने फ्रेंड आपके फ्रेंडों से, व्यूवर्स से बोलूंगा, यूट्यूबर से, आरिफ भाई की वीडियो बहुत अच्छी है, ये बड़ी अच्छी नॉलेज देते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वीडियो गाड़ी के ऊपर, इनकी सारी वीडियो देखे करें प्लीज आप। चलो थैंक यू सर, आपका सपोर्ट मिल गया तो अब तो जी, कामयाबी पास आ ही जाएगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है इनका, तो थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। नमस्कार नमस्कार, ठीक है सर, थैंक यू, बाय। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।